ठहरो 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 क्या कहूँ मैं माशाल्लाह, ये तकदीर आपकी, दिल चाहता है छीलू तस्वीर आपकी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहाँ को जा रही हो तुम, पुतो वो नाम क्या? कहाँ को जा रही हो तुम, बताओ नाम क्या तेरा? और तुम्हें चुप से मैं देखा है, थी तो दिल हो गया। ना बहे जना दल सिख मेरा, और बदल जो ये तेरी किस्मत, करो दिल साथ जो मेरा। आप मेरा नाम आप पता जानना चाहते हैं, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? और तवा अब हूँ मैं बाबूजी। तवायफ हो? तवायफ हूँ मैं बाबूजी, और नाम है राम कली में। तवायफ हूँ मैं बाबूजी, नाम है राम कली मेरा। राम कली बहुत प्यारा नाम है। से देखी हूँ आपको, जब से देखी हूँ तो क्या हुआ, और फिदा दिल हो गया। जिंदगी में पहली बार, आपके जैसा मर्दी पहली बार देखा है। और शर्त मानो अगर मेरी, तो पूरा है बदल तेरा। तो शर्त अपनी पुताबो, ये मुझे जाने मल उसको पूरा करूं, ये है वादा मेरा। और मुझको भी साथ अपनी और गुफा ले चलो, और मुझको रखेल बनाने का वादा करो। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, लेकिन गुफा चलने से पहले मुझे एक पप्पी दो। ए राजा बाबू, हाँ कैसी बातें करते हो? क्यों रास्ते में शिप करोगे, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? समझदार हो, गुफा पहुंच जाना, उसके बाद राजा जी जो मर्जी सो करना। ए राजी, गुफे पहुंच जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आओ चलिए राजा बाबू। क्यों रुक गई, सामने देख रहे हो? हाँ, एक नौजवान और उसके गले में सोने की सिकर। राजा जी, हाँ? इस नौजवान के गले की सिकर छीन कर मेरे लिए नथुनी बनवा दीजिए। बस इतनी सी बात? जी हाँ। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, अभी साले को दो थप्पड़ मारूंगा और इसकी सिकर छीन लूंगा, तुम्हारे लिए नथुनी बनवा।
इधर देखता है एक बार। मेरा ही रुक जाए इधर या देख कहने पर ध्यान, और कहो अगर माना नहीं तो ले लूट के। रहने वाले तुम कहाँ के दे मुझको बतलाए, मौत की धमकी दे रहा क्या गया से। ये तो सीकर है तेरे के गले में पड़ी, जल्द से जल्द कर दे आवाज। सीकर तो चाहूं तो बेबी अभी तुझे सीकर तो चाहूं तो सरदारी के पास ले कर चलो, ऐसी जगह चल कर और बताऊंगा मैं, लाखों का दौलत तुझको मिल जाएगा। लाखों की? जी सरदार जी। मैं तुझे अपने सरदार के पास लेकर चलूं तो वहां चलकर लाखों की दौलत बताएगा? हाँ सरदार जी। झूठ बोल रहा है? झूठ? हाँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच सच में। ए रानी सुना, ये कह रहा है मुझे अपने सरदार के पास लेकर चलो, वहां चलकर मैं तुम्हें लाखों की दौलत बताऊंगा। तब इसकी सीकर, इसकी सीकर छीन कर क्या करोगे आप? उसमें तो मेरे सर से पांव तक जेवर ही जेवर बन जाएंगे। भाई साहब ये कौन है? ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी? हाँ धर्म पत्नी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। साले चीन ना पहचान, बड़ी बुआ सलाम। मेला लगा नहीं जब पतरे साले पहले पहुंच गए। चल मेरे साथ, नहीं तो साले। क्या बात? हमें लगता है तुम्हें परख कम है। क्यों कैसे? हमें इसके ऊपर कुछ शक हो रहा है। इसका सीना हमें ऊंचा ऊंचा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाली जेब में हाथ गोला बम गोला रखे हो? बिल्कुल सही कह रही हो। पूछ लो भाई, चेक कर लो। ये तेरा सीना क्यों ऊंचा ऊंचा है रे? हाँ सेहत, बॉडी 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 बॉडी। एक दर्जन केला खाता हूँ, एक लीटर दूध। अरे बस रोज रोज। वाह बेटा वाह, बहुत पी लेते हो, बहुत खा लेते हो। ठीक है ठीक है, चलो मेरे साथ, अगर नहीं बताओगे तो ये केला और दूध उतार लूंगा। चलो काकू रघुवीर सिंह, तुझे जंगली चाहिए ना? अरे हरामजादे, जंगली स्वयं चलकर आ रहा है तेरी गुफा। बाबा जी ने मुझे ये डमरू दिया है और कहा है जब इसे तुम बजाओगे तो तुम सबको देखोगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। अरे वाले मेरी किस्मत, किस्मत के खेल निराले मेरे भाई, किस्मत आगे जो चले ना किसी का,
से वापस नहीं आया। महाभाव कौन हो तुम और बिना जरूरत के गुफे के अंदर आने की जरूरत कैसे की? नाम है जंगली मेरा सरदार जी, लेके हरिदास आया हूँ पास में, राजकुमारी को महलों में पहुंचाई दो, आपसे यही विनती है। बोली सतु सौराऊंग मैं, राजकुमारी तेरी लाश को देखेगी, मान कहना मेरा चातु वापस ला, मार डालू कमीने। सरदार जी तुम्हें जंगली चाहिए था ना, जंगली आ गया, छोड़ दो राजकुमारी को, जाए राजमहल। और हाँ, तुम इतना गुरूर कर रहे हो अपनी इस बंदूक पर, जिंदगी और मौत ये तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, फिलहाल हम तुम तो इंसान हैं। जंगली तेरी जिंदगी और मौत सिर्फ मेरे हाथ में है, इच्छा पूरी कर लो, मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी काफी दिनों से मुझे तलाश थी, मरने के लिए रघुवीर सिंह। जंगली बंदूक फिनाल पीछे करो, बंदूक लोड है, टाइगर पर हाथ मत रखना, इसका टाइगर भी दस्तक है। बड़ा बड़ा बार रखा है यहाँ बब्बा, पियाला बब्बा यार। मैं तेरे हाथ जो रहा हूँ, मुझे मुझे माफ कर दो। हरपाल रघुवीर सिंह अब हक के सहाल में बोलो, कभी से मिन्नत खुशा मत मैं कर रहा, बाज आया नहीं अपने तक। ये लो चाभी, वो कमरा दिखाई पड़े, राजकुमारी वहां तुमको मिल जाएगी, जान बख्शो मेरी, छोड़ दीजिए मुझे, राजकुमारी वहां तुमको मिल जाए। अब आया हूं पहाड़ के, ला चाबिला, ये लो चाबिला, ये लो जंगली भैया, ये लो, ये 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 लो, ये चाबी है या खैनी का चूना? साला कहा गया है चोर की चोरी चली जाती है, लेकिन है ना। भैया कहते हैं कि मार के आगे भूत भी भागता है। ये अपने नए नए मेहमान हैं, अच्छी तरह से खातिरदारी करना। मुझे तो देखकर मुझे डर लग रहा है यार। नहीं बार कहाँ कटा दोस्त, ये बाल, ये बाल विदेश की कटिंग है। तो हाँ मुड़वा जैसे चिकन चिकन बा घोड़ा का पोता।
जानी मकी ले चलो हरामजादे को रात दरबार में पिताजी से कह के फांसी दिलाऊंगी। मुझे रात दरबार मत ले चलो, वरना महाराज हमें दिल से तुरंत फांसी पर चढ़ा देंगे। वहां मरना चाहता है, यहाँ मैं मरना नहीं चाहता। सरदार जना रात कुफे के अंदर मुझे गोली किसने मारा? ये पहली घटना है, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कुफे के अंदर ये गोली। लेकिन जनरल सिंह, सरदार ये गुफे के फाटक पर कौन लड़का खड़ा है? सरदार ये अजनबी मेरे साथ आया है। तुम्हारे साथ? जी, इसने ये कहा मुझे अपने सरदार के पास लेकर चलो, वहां चलकर तुम्हें मैं लाखों की दौलत बताऊंगा। सरदार इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। जनार्दन सिंह, दिल तो चाहता है कि हम तुम्हें इसी वक्त गोली मार दें। नहीं 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 नहीं, सरदार ये मेरी पहली गलती है, क्षमा कर दीजिए। जनार्दन सिंह उस लड़के को लेकर आओ। ए लड़के आगे बढ़।